हे गाइस, वेलकम टू HS टेक जोन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर OnePlus 7 Pro के बारे में कि क्या कुछ खास रहने वाला है, इसके क्या स्पेक्स हैं और ये कब तक लॉन्च होगा और क्या प्राइस रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं OnePlus 7 Pro के बारे में तो आपने आज की हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देना, साथ ही आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर OnePlus 7 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि OnePlus 7 अब जल्दी लॉन्च होने वाला है ग्लोबल तौर पर, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर OnePlus 7 में आपको क्या कुछ खास देखने मिलने वाला है। अगर बात की यहाँ पर OnePlus 7 Pro के डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको ग्लास बैक मिलने वाली है विद कर्व डिस्प्ले, जो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी। अगर डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले मिलने वाली है वो मिलेगी आपको 6.67 इंच की, जो एक सुपर एमोलेड फुल व्यू डिस्प्ले रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इसके बाद बात की है यहाँ पर कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने मिलने वाला है, जिसका जो प्राइमरी सेंसर यानी कि फर्स्ट सेंसर रहने वाला है वो होगा 48 मेगापिक्सल का, जबकि सेकंड सेंसर होगा वो आएगा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का, जो होगा एक टेलीफोटो लेंस। और अगर बात की यहाँ पर थर्ड सेंसर की, तो थर्ड सेंसर रहने वाला है 16 मेगापिक्सल का, जो होगा एक अल्ट्रा वाइड सेंसर। अगर इसके बाद में बात की यहाँ पर फ्रंट कैमरा की, तो उसमें बता दूँ यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है OnePlus 7 Pro में। अगर इसके बाद में यहाँ पर बात की है प्रोसेसर की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलने वाला है, जो एक 5G रेडी प्रोसेसर हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि आपको 5G सपोर्ट के लिए LTE X50 मॉडम देखने को मिल सकता है OnePlus 7 Pro के अंदर। और अगर बात की यहाँ पर बैटरी की, तो बैटरी मिलेगी आपको 4000 mAh की, जो आएगी वार्प चार्जिंग 30 वाट के साथ में, यानी कि यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग होगी। और अगर इसके बाद बात की यहाँ पर वेरिएंट्स की, तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग प्रकार के वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वेरिएंट्स हो गए ना, उसके साथ में मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा। अगर बात की यहाँ पर फर्स्ट वेरिएंट की, तो जो आएगा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज में, जिसका जो प्राइस इंडिया के अंदर 42,000 से लेकर 44,000 के बीच में रह सकता है। और अगर बात की यहाँ पर सेकंड वेरिएंट की, तो वो आएगा 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोर साथ में, तो यहाँ पर उसका प्राइस 46,000 से 48,000 तक रह सकता है। और अगर बात की यहाँ पर थर्ड वेरिएंट की, तो वो आएगा यहाँ पर 12GB रैम के साथ में, साथ ही 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी आपको, तो इसका जो प्राइस है ना वो 50,000 से लेकर 52,000 के बीच में रह सकता है। अब इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज की। दोस्तों, ये स्टोरेज रहने वाला ना, ये आपको UFS 3.0 देखने को मिलने वाला है, यानी कि इसका जो इंटरनल स्टोरेज की स्पीड होगी ना, वो बहुत ही गजब की देखने मिलने वाली है। साथ ही जो रैम होगी ना, वो LPDDR4X रैम रहने वाली है, ताकि आपको स्पीड के मामले में कोई भी कमी देखने को ना मिले। साथ ही यहाँ पर 855 तो आएगा ही, तो उसकी स्पीड तो आप सभी जानते हैं कि कितना गजब का रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की। दोस्तों, लॉन्च डेट कन्फर्म हो चुकी है तौर पर, ये लॉन्च हो जाएगा 14 मई 2019 को। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं OnePlus 7 Pro के बारे में, क्या ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो आपने मुझे कमेंट में अवश्य बताना है। तो नमस्कार दोस्तों, फिलहाल तो आज की वीडियो में यही थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका शुभ रहे।